गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग आगे पढ़ते हैं। आपने इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखा, आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। आज हम लोग देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7। ध्यान से देखिए, अपनी बुक भी खोल लीजिए आप लोग। देखिए दिया है, थोड़ा सा नया है आप लोग के लिए। दिया कि फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एड सो एज हाउ दे वुड अपीयर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31, 2005 एंड द बैलेंस शीट। देखिए अभी तक मैं आपको ऐसे इंफॉर्मेशन थी, आपको इनकम ऑफ सब्सक्रिप्शन निकालना था, लेकिन अब क्या करना है कि अब ये बोला कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी कि मार्च 31, 2015 का रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया है और उसके और थोड़ी सी जानकारी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखा है आपके न्यूमेरिकल में। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितने आपने सब्सक्रिप्शन का इनकम है उसको क्या करना है, दिखाना है। तो आपको सॉल्यूशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट आपको क्या करनी है, बनानी है। तो चलिए इस सवाल को देखिए ध्यान से। दिया रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31, 2015 में उसने रिसीप्ट क्या किया है, सब्सक्रिप्शन, यानी कि 31 मार्च 2015 को उसने क्या किया, चंदा यानी सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है। कितना किया देखिए, 2014 का 30,000, 2015-16 का 5,000। ध्यान दीजिए एक चीज, ये 31, 2015 का है, यानी कि आपका करेंट ईयर कितना है, 2015। तो यानी कि सब्सक्रिप्शन उसने कितना रिसीव किया, 30,000 ना। और दिया है कि 2013-14, यानी कि अब इसको समझिए उसके बाद बनाइए सवाल। पहले आप सवाल समझिए। दिया है आपका ये दिया 2015, ये दिया है 2014 या 13-14 कर लीजिए, और ये है 2016। आप देखिए दिया है कि ड्यूरिंग, यानी करेंट ईयर आपका यही है। तो कह रहा है कि इसमें वो कितना रिसीव किया, 30,000 रुपीस। कितना किया, इतना। फिर उसके बाद उसने 2014 में कितना रिसीव किया, 7,000। अभी सवाल समझिए, फिर 5,000 रुपीस ये दिया। आप ध्यान दीजिए कि इतना आप रिसीप्ट ऑन पेमेंट अकाउंट कितने, किस ईयर का बनाया, इस ईयर का। तो यानी कि सवाल में जब दे रहा है कि 2015 में उसने ये तीनों चीज़ें रिसीप्ट की, तो आप दिमाग में बैठाइए कि ये 7,000 जो रुपीज़ है वो 2014 का, यानी कि ये आउटस्टैंडिंग रहा होगा इस साल का। ये अमाउंट क्या रहा होगा, आउटस्टैंडिंग, या आपका ड्यू रहा होगा। ध्यान में, फिर ये 5,000 2016 का रिसीप्ट किया है, यानी कि ये अमाउंट आपका क्या होगा, इन एडवांस होगा। टोटल इसने कितना रिसीव कर लिया है, 42,000 आपके सवाल में दिया है। देखिए 42,000 रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट से आपने देखा कि रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट 42,000 रुपये उसने क्या किए हैं, रिसीव किए हैं, और उसमें से है क्या, ये आउटस्टैंडिंग, ये सब्सक्रिप्शन की फ़ीस, और ये इन एडवांस। आप देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31, 2008, 5,000। ये ध्यान दीजिए सवाल, ये अतिरिक्त जानकारी। देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मार्च 31, 2014 को 8,500 थी,
ध्यान दीजिए इसको, कह रहा है कि 31 मार्च 2014 को आउटस्टैंडिंग उसकी कितनी थी, तो 8,500 रुपये थी ना, यानी कि इस साल का अमाउंट जो था आउटस्टैंडिंग 8,500 था, जिसमें से उसने रिसीव कितना किया 7,000, यानी कि आपका 8,500 में से उसने रिसीव कितना किया 7,000, यानी कि आपका बकाया कितना रह गया 1,500। अब समझ में आया, देखिए कह रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि 31 मार्च 2014 को आउटस्टैंडिंग 8,500 रुपये था, तो आपने रिसीप्ट और पेमेंट में अकाउंट में क्या देखा कि 2015 में उसने रिसीप्ट किया 7,000, यानी कि 7,000 रुपया इसमें से क्या होगा, कम होगा, यानी कि अभी तक कितना आउटस्टैंडिंग रह गया 1,500, यानी कि 1,500 रुपये जो बकाया है उसने अभी तक यानी 2015 में भी नहीं दिया है। समझ में आया, क्या दिखा रहा है क्या नहीं दिखा रहा है, रिसिप्ट कितना दिखा रहा है आउटस्टैंडिंग का 7,000, और था कितने का आपका 8,500 का। आई होप इतना समझ में आया, आगे देखिए। फिर दूसरा देखिए इन्फॉर्मेशन दिया है कि टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मार्च 31, 2015। अब ध्यान दीजिए कि टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 18,500 रुपया, अब ध्यान दीजिए 2015 यानी कि 31 मार्च 2015 को टोटल जो सब्सक्रिप्शन है आउटस्टैंडिंग वो कितना है 18,500 रुपया, ध्यान दीजिए कितना है 18,500 रुपया। ये तो लास्ट का ईयर दिया है ना, 31 मार्च 2015 को कितना बता रहा है कि 18,500 रुपये क्या उसके आउटस्टैंडिंग हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि 18,500 जो रुपये हैं क्या वो इसी साल के हैं, नहीं हैं, क्योंकि इस साल यानी पहले 2014 का भी 1,500 रुपया क्या है अभी आउटस्टैंडिंग है, यानी कि इस टोटल बोल दिया तो यानी कि आपके 18,500 में से 1,500 रुपये क्या हैं पिछले 2014 के आउटस्टैंडिंग है, यानी कि इस साल की आउटस्टैंडिंग आपकी कितनी की है 17,000 रुपये की, यानी कि 2015 के आउटस्टैंडिंग, यानी कि आप इसको क्या बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना बोलते हैं 17,000 रुपये है। अब समझ में आया कि कैसे हो गया, यानी कि अब देखिए 2015 में क्या कंडीशन हो गई कि रिसिप्ट और पेमेंट सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव किया 30,000 रुपये, और इसमें जो रिसीव किया था 7,000, तो ये पहले से बकाया था आपका 8,500 रुपये, और पेमेंट रिसिप्ट कितना क्या है 7,000 रुपये, तो यानी कि 1,500 रुपये इस साल का अभी क्या है बकाया है, यानी आउटस्टैंडिंग है जो इस साल भी नहीं दिया गया है। तो इसीलिए यहाँ पे जब दिखा रहा है कि टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 18,500, यानी कि आप ही दिमाग लगाइए कि ये जो 1,500 बकाया ये भी इसमें क्या है ऐड है, तो एग्जैक्टली 2015 का कितना बकाया हुआ अगर 1,500 यानी कि इस साल का घटा देंगे तो कितना 17,000 रुपये इस साल का, यानी 2015 का क्या है। आप देखें यहाँ पे अब कह रहा है, तीसरी जानकारी दिया है आपको, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 4,000 रुपीज एज ऑन मार्च 13th। ध्यान दीजिए कि सब्सक्रिप्शन रिसीव इसमें इन एडवांस यानी कि सन 2014 में जब इन एडवांस रिसीव किया होगा तो किस सन का किया होगा, 2015 का ही ना, 4,000 रुपया क्या किया है इन एडवांस में किया है क्या, तो यानी कि इस साल 2014 में उसने किया था 4,000, तो ये इसी में क्या होगा यानी इस साल का 2015, तो इन एडवांस इसको हमने क्या कहते हैं इसको बिगनिंग में दिखाते हैं, यानी कि वो पूरा अमाउंट किसने होगा इसी में। अब इतना समझ में आ गया, अब हम चलिए रिसीव इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं आपका।
देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसको हम इसलिए पढ़े क्योंकि इसी को भी दिखाना है। लिखेंगे सॉल्यूशन, अब समझ में आ गया होगा, सॉल्यूशन लिखेंगे। लिखेंगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम और एक्सपेंडिचर आप अकाउंट क्या है आपका, एक तरह से पीएल अकाउंट है, याद रखिएगा ये किसका प्रारूप है, पीएल अकाउंट का। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे लिख लेंगे फॉर द ईयर, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन मार्च 31st 2015। कैसे बनाते हैं हम लोग इसका, ये कॉलम हो गया आपका, याद है ना प्रोफार्मा इसका, ये अमाउंट और ये अमाउंट, यहाँ पे आप लिखेंगे एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर का अमाउंट लिखेंगे, और यहाँ पे आपकी क्या होती है इनकम और उसकी अमाउंट। आप देखिए हो गया। अब क्या है सब्सक्रिप्शन, इनकम में क्या है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन आपका कितना है, आपने देखिए सब्सक्रिप्शन आपने कितना रिसीव किया 2014-15 में 30,000, तो यहाँ अमाउंट लिखेंगे 30,000। और ये पूरा लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2015 कितना 30,000 रुपये। आप देखिए अब हम ऐड क्या करेंगे इसमें, अरे इस सब 2015 का निकालना है हमको, तो ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग फॉर इस साल का जो बकाया है, देखिए जो ध्यान दीजिए आउटस्टैंडिंग फॉर लिख लेते तो बता रहे हैं 2014-15 कितना रुपया निकाले थे आप, देखिए इस साल का जो बकाया है 2014 हम रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस ईयर का बना रहे हैं, सन 2015 का बना रहे हैं, तो अब जो 2015 में जो आउटस्टैंडिंग होगा उसी को लिखेंगे, तो ये तो टोटल आउटस्टैंडिंग 2015 की है ना, टोटल जिसमें 2014 का क्या है मिला हुआ है, लेकिन हमको दिखाना है सिर्फ 2015 का, ठीक है। तो अब इसमें से हम क्या करेंगे 2014 को घटा के 17,000, यानी कि 2015 की आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे इसमें जोड़ेंगे, तो ये हो गया हमारा कितना अमाउंट जुड़ेगा 17,000 रुपया, क्योंकि ये हम ईयर किसका बना रहे हैं 2015 का। आप ध्यान दीजिए कि जब हमने इनकम में एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 2014 का बनाया होगा तो उसमें वो हम आउटस्टैंडिंग अपना दिखाए होंगे ना, तो आप बताइए कि इसमें हम 1500 भी ऐड कर देंगे तो दोनों साल का हमारा आउटस्टैंडिंग दिखाएगा, तो सवाल गलत हो जाएगा ना, क्योंकि जिस तरह हम 2014-15 का आउटस्टैंडिंग दिखा रहे हैं सेम यही प्रोसेस सन 2015 में, यानी कि इस साल जब वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया होगा तो वो टोटल अपना आउटस्टैंडिंग क्या किया होगा 8,500 दिखाया होगा। अब समझ में आगे बढ़ते हैं। अब हम ऐड करेंगे इसमें, ध्यान दीजिए ये तो हो गया 30,000 सब्सक्रिप्शन और आउटस्टैंडिंग कितना 17,000। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि सन 2015 में ये राशि हमको मिलनी चाहिए थी, यानी कोई स्टूडेंट या कोई सब्सक्राइबर जो होगा वो इतना पैसा हमको देना था उसको, लेकिन उसने दिया नहीं, लेकिन हम अपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे ना कि इतना पैसा हमको मिलना चाहिए था जो कि मिला नहीं है, तो आप दिखाते हैं ना कि इतना मेरा है इनकम। आप देखिए ऐड करेंगे इन एडवांस रिसीप्ट, इन एडवांस फॉर
2014-15, ध्यान दीजिए, रिसीव्ड इन एडवांस 2014-15 कितना था आपका, 4000 रुपया। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 4000 रुपया दिया है ना, ये कंफ्यूज मत हुई, ये एडवांस 15 का नहीं दिखाएंगे हम। देखिए यहाँ पे 2014 में उसने क्या किया है, 2015 का क्या किया है, रिसीव किया है। तो हम जब यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए होंगे तो हम इसी साल का दिखाएंगे ना, इस ईयर का हम एडवांस नहीं दिखाएंगे, इसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, जो भी ये बता रहे हैं। तो इस साल का जो है एडवांस, यानी कि ये 4000 रुपये इसी साल के उसने पहले से कोई स्टूडेंट या सब्सक्राइबर इस साल दे दिया होगा, तो ये इस साल अपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाएगा, वो किस में दिखाएगा, 2015 में। तो हम इसको ऐड कर देंगे 4000 रुपये, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि 15 और 16 का क्यों नहीं ऐड करें मैम इन एडवांस, तो उसको हम देखिए इनकम एक्सपेंडिचर जो अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो एक्चुअल में हमको क्या है इनकम हुई है, जो मेरी इनकम है सिर्फ उसको दिखाते हैं, हम जो होने वाली उसको नहीं दिखाते हैं, पता ना भविष्य आज जो पहले का मिला उसको हम क्या करेंगे, बाद में खाएंगे। तो इसको हम जोड़ेंगे, यानी कि टोटल हम जोड़ेंगे तो हमारा आएगा, यानी कि आपका इनकम साइड कितना होगा, 51000। यानी कि आपके इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से ये पता चला कि आपकी सब्सक्रिप्शन की जो इनकम है टोटल कितनी है, 51000 रुपये है। समझ में आ गया, आप इसको बुक से भी देख लीजिएगा, और कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। आप देखिए आगे, आप दिया बैलेंस शीट, इसका बैलेंस शीट बनाना आपको, बैलेंस शीट संबंधित आंकड़ा से दिया है, एज ऑन 31st 2015, 31st मार्च, यहाँ पे मार्च का है। अब देखिए बैलेंस शीट में क्या होती है, इस साइड होती है आपकी लायबिलिटी, ये लाई और इस साल इसका अमाउंट दिखाएंगे, यहाँ पे आपका एसेट्स, इसका अमाउंट यहाँ दिखाएंगे। अब हम बैलेंस शीट जब बना रहे तो लायबिलिटी क्या है, हमारी लायबिलिटी हमारी है जो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, जो इन एडवांस में मिलता है वो हमारा क्या होता है, दायित्व बन जाता है, क्रेडिटर क्या होते हैं हमेशा। जैसे कि आप किसी, आपने कोई काम नहीं किया और उसका पहले ही एडवांस मिल गया है आपको, तो आपकी क्या हो जाती है, लायबिलिटी बन जाती है। तो लिखेंगे हम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इस साइड लायबिलिटी में, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस किस ईयर का, 2014-15 के हैं, तो कितना अमाउंट आएगा आपका, 5000 रुपीस। और इस साइड एसेट्स में क्या होगा, जो आपका आउटस्टैंडिंग है ना, एसेट्स आपकी बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे, जो आपके आउटस्टैंडिंग है, तो क्या क्या है देखिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग है 2013 का बकाया है ना, तो उसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे कितना आपका, 1500। फिर 2014 और 15 की आउटस्टैंडिंग कितनी थी, 17000 रुपये, यानी कि आपका अमाउंट, यानी कि टोटल एसेट्स आपकी कितनी है, 18500। ये आपकी बैलेंस शीट बनके तैयार हो गई, ठीक है। अब
तो अब तक आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन को कैसे पढ़ा? फॉर्मूले से आज हम आपको पढ़ाएंगे सब्सक्रिप्शन को का अकाउंट बनाना, मतलब सब्सक्रिप्शन जैसे इनकम। आप सब्सक्रिप्शन को हम दो विधि से निकाल सकते हैं। एक तो आप स्टेटमेंट वो आपने बनाया, फार्मूला लिखवाए थे हमने, अब हम उसको अकाउंट से यानी अल्टरनेटिव मेथड भी आप लोग जानते रहिए। आप लोग को एग्ज़ाम में जिससे सुविधा होगी आप लोग उससे क्या करिएगा, निकाल दीजिएगा। देखिए हम पढ़ेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ध्यान दीजिए। सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपके बुक में दिया भी है। खाका इसका बना लेते हैं हम। ये होता है डेबिट, होता है लेजर, याद है ना सबको बनाना लेजर। इसीलिए शुरू में हम आप लोग को बोले थे कि जनरल लेजर थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। देखिए इसी को देखने के बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसे वो फार्मूला सब्सक्रिप्शन का बनाए। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है सब्सक्रिप्शन इनकम रिसीप्ट सब्सक्रिप्शन इनकम रिसीव्ड 10,000 रुपीज। तो जब आप सब्सक्रिप्शन रिसीव करते हैं तो जनरल एंट्री क्या करते हैं, जैसे हमको जैसे आपने कमीशन रिसीव किया होगा तो जनरल एंट्री क्या करते हैं, याद है? तो देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव करेंगे तो हम जाहिर सी बात है रिसीव करते हैं तो एंट्री में दिखाते हैं बैंक और कैश, कुछ भी दिखा सकते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये दिखाते हैं ना जब रिसीव करते हैं तो। और जब पे करते हैं तो क्या करते हैं, मान लीजिए सब्सक्रिप्शन पे तो किया नहीं जाता है, मतलब हम तो अपने एमपीओ का अकाउंटेंट है तो हम अपने एमपीओ में रिसीव ही करेंगे। सब्सक्रिप्शन अकाउंट मान लेते क्या एंट्री हो गई 10,000, वही ना ऐसे करते हैं ना, जैसे आपने कमीशन किया होगा रेंट किया और इसी तो आप ये एंट्री करते हैं ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी रिसीव करते थे तो वही सेम एंड। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब साल ख़त्म होता है एंड द ईयर, मतलब जब साल क्या होता है आपका ख़त्म होता है तो आप क्या करते हैं उस सब्सक्रिप्शन या कमीशन या जो भी मिला रहता है तो आप उसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे, याद है ना? पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे या आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे, बहुत सी चीज़ें आप लोग पीछे 11th का थोड़ा याद रखिए। तो हम क्या एंट्री करते हैं फिर, अब सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू पीएल, जैसे कमीशन का करते तो हम लास्ट में किस में ट्रांसफ़र करते थे, पीएल अकाउंट में। तो यहाँ जो पीएल अकाउंट है आपका क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हम बताए थे शुरू में कि पीएल अकाउंट को एक चद्दर चढ़ा के हम क्या बना दें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसका पैसा गया, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं। अब यहाँ देखिए इनकम ड्यू, जैसे सब्सक्रिप्शन हो गया लेकिन ड्यू है, यानी कि सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था लेकिन मिला नहीं तो क्या होगा, ड्यू दिखाएंगे। ड्यू या एकॉर्ड आप लोग को 38 करोड़ जब इनकम एक्यूर्ड, या आप लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग, यानी कि आप लोग को आउटस्टैंडिंग अच्छे से समझ में आता है इसमें, तो वो हमारी क्या होती है, एसेट होती है। क्या होती है, एसेट होती है ना, जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, एसेट। मतलब कि जो हो चुका है, जैसे हमने अर्न कर लिया, सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था लेकिन मिला नहीं तो उसको हम ड्यू या आउटस्टैंडिंग या एक्रूड बोलते हैं। और इसको हम ओपनिंग बैलेंस दिखाते हैं, ओपनिंग
बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस या बिगनिंग याद है ना आप लोग को, ओपनिंग बैलेंस या बिगनिंग इसको कहेंगे। मतलब कि जो ड्यू है तो नए ईयर के लिए क्या हो जाती है, ओपनिंग। या आप लोग को बताए थे यहाँ पे बिगनिंग होता है और यहाँ पे एंड, वही है। तो यहाँ पे ओपनिंग लिखिए या बिगनिंग, यहाँ पे क्लोजिंग या एंड। अब देखिए दूसरा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव इन एडवांस, ये हो गई आपकी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होती है तो वो हमारी मतलब क्या है, रिसीव किए जो कि अभी हमने उसका काम नहीं किया लेकिन हमको एडवांस मिला है, तो हमारे लिए क्या जो लाइबिलिटी की रकम होती है वो हमारी हो जाती है ओपनिंग बैलेंस। देखिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना है, इसका हो गया, ये भी होता है आपका, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ये एसेट्स होता है, ये आप हमेशा दिखाएंगे डेबिट साइड में, और जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जो लायबिलिटी होती है ये ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, और ये दिखाते हैं हम क्रेडिट साइड में, ठीक है। ये दिखाएंगे हम किस में, क्रेडिट साइड में। अभी देखिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे तो पहले लिखेंगे हम, इसका परफॉर्मा होगा आपका टू सब्सक्रिप्शन ड्यू एट द बिगनिंग, टू सब्सक्रिप्शन ड्यू या आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, या आप क्या लिखते हैं टू सब्सक्रिप्शन एट ड्यू एट द बिगनिंग, उसके बाद बाय सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, यहाँ पे करेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे अमाउंट रहेगा आपका ऐसे बाय सब्सक्रिप्शन एट बिगनिंग, इसका अमाउंट कर देते हैं यहाँ पे इतना। फिर है आपका बाय रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जैसे आप लोग क्या करते हैं रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट, बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, बाय रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी कि रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट क्या होता है आपका, कैश अकाउंट होता है, याद रखिए इसको। आपका क्या होता है कैश अकाउंट, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए आपने क्या एंट्री की है, जब रिसीव हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन किए हैं, तो इस हिसाब से ये क्या हुआ सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, तो ये कैश या ये इनकम क्या होता है बाई होता है, तो हम कैश अकाउंट, आप एनपीओ में कैश अकाउंट पढ़ते हैं, कैश अकाउंट तो बनाते नहीं, उसके जगह हम क्या बनाते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसलिए आज से यहाँ पे बाय रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या हुआ है बना है। जब सब्सक्रिप्शन रिसीव करते हैं तो आप कौन सा बनाते हैं, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो आप कैश अकाउंट तो बनाते नहीं यहाँ पे एनपीओ में, हम कैश अकाउंट की जगह क्या बनाते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो ये हो गया रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बाय रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो इसका बैलेंस हम करेंगे यहाँ पे लिख लीजिए समझने के लिए, टोटल टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड,
जो टोटल सब्सक्रिप्शन आप रिसीव्ड करते हैं उसको यहाँ पे दिखाते हैं। अब लास्ट में क्या करेंगे हम, बाई सब्सक्रिप्शन ड्यू एट द एंड, बाई सब्सक्रिप्शन ड्यू एट द एंड, ड्यू एट द एंड यहाँ पे ये अमाउंट लिखते हैं। आप देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे जो जनरल एंट्री किए हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट को लास्ट में ईयर के एंड में, एंड द ईयर हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करते हैं ट्रांसफर, तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस की जगह हम क्या बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्या बनाते हैं तो टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो आपका क्या है बैलेंसिंग फिगर रहेगा, यही आपको क्या करना रहेगा निकालना रहेगा। आप देखिए टू सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द एंड, टू सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द एंड, टू सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द एंड। अब देखिए यहाँ पे सवाल समझिए, हम यहाँ पे देखिए आपका क्या होता है जब आपका सवाल सब्सक्रिप्शन का दिया रहता है तो सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग दिया हो आपका 2000 रुपये निकालते थे ना सवाल में ये सब दिया रहता है, फिर बाय रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यानी कि सब्सक्रिप्शन